तो गाइस फैन ऑफ रेसलिंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गाइस आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं रेसलिंग से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि ये रिलेशनशिप में चल रहे थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफ़ी अच्छे कपल हैं। आपको बता दूं सेथ रॉलिंस ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बताया है कि सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच ने कर ली है इंगेजमेंट, यानी इन दोनों ने ही कर ली है सगाई। और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है रेसलिंग फैंस के लिए। और आपको बता दूं होपफुली आने वाले टाइम में हमें शादी करते हुए नजर आएंगे। तो इन दोनों को काफ़ी कंग्रेचुलेशंस। इसके बाद अगले अपडेट के ऊपर बात करें तो वो है द रॉक के बारे में। आपको बता दूं 18 अगस्त को रॉक ने अपनी गर्लफ्रेंड लोरीना के साथ शादी की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे शादी की तस्वीरें शेयर की। आपको बता दूं 2 घंटे में ही 57 लाख से ज़्यादा लोग उनकी शादी की तस्वीरों को लाइक कर चुके हैं। अब आपको इससे तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि द रॉक कितनी फेमस है। आपको बता दूं इससे पहले द रॉक ने 25 साल की उम्र में डेनी गार्सिया से शादी की थी। हालांकि 11 साल के बाद 2008 में ये कपल अलग हो गए थे। इसके बाद अगली और आखिरी आज की बड़ी अपडेट है अंडरटेकर के बारे में। तो WWE ने 10 सितंबर को होने वाली स्मैकडाउन लाइव में अंडरटेकर का रिटर्न कंफर्म कर दिया है। अभी ये बात साफ नहीं है कि अंडरटेकर यहाँ पे आके क्या करने वाले हैं। तो गाइस ये कुछ थी रेसलिंग की बड़ी अपडेट्स जो कि मैंने आपको आज की इस वीडियो में दी। तो गाइस बस आज छुड़ी तक की देखने के लिए आपका थैंक यू।